गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम अपनी नई क्लास में फिर से स्टार्ट हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से अभी एक दो टाइप के क्वेश्चन बच गए थे हमारे, उसमें कोडिंग डिकोडिंग हम उसको देख लेते हैं। तो ये भी एक टाइप था उसमें, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब ये है कि इसमें हमें ये समझना है कि जैसे कि पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, खुद ही समझ में आ जाएगा। यदि जो जंतु चल सकते हैं, यानी जो जंतु चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, चलने वाले को तैराक कहा जा रहा है, जो रेंग सकते हैं उसे उड़ने वाला कहा जाए, जो जल में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाए, और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। तो आपको ये बताना है कि सबके लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊँ कि जो चल सकते हैं, यानी जो चल सकते हैं, जो चल सकते हैं उनके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, जो चल सकते हैं उन्हें तैराक कहा जाए, यानी चलने वाले के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, तैराक का कोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो रेंग सकते हैं उसे उड़ने वाला कहा जाए, यानी रेंगने वाले को, जो रेंगने वाले हैं उनके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, जो रेंगने वाले हैं उनके लिए कोड यूज हो रहा है कि उड़ने वाला, यानी जो रेंग सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उड़ने वाला, ठीक है। अब बात आ गई जो जल में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाए, यानी जल में रहने वाले के लिए कौन सा कोड है, जल में रहने वाले, तो जो जल में रहने वाले हैं उनके लिए कौन सा कोड है, सांप, यानी जल में जो रहेंगे उनको हम सांप कहेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, यानी आसमान के लिए जो आसमान में रहने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, शिकारी, ठीक है। तो दोस्तों अब ये चीज़ें हमने सबके लिए जो जो कोड है वो मैंने लिख दिया है, जो चल सकते हैं उनको हम तैराक कह रहे हैं, जो रेंग सकते हैं उनको हम उड़ने वाला कह रहे हैं, जो जल में रहने वाले हैं उनको हम सांप कह रहे हैं, और जो आसमान में उड़ने या आसमान में रहने वाले हैं या आसमान में उड़ने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि जो जंतु चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो चल रहे हैं उनके लिए हम तैराक का कोड यूज करेंगे, जो रेंग रहे हैं उनके लिए हम उड़ने वाले का कोड यूज करेंगे, जो जल में रहते हैं उन्हें हम सांप कहा, यानी उन्हें हम सांप कहेंगे, जो जल में रहते हैं उनके लिए सांप का कोड है, और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें हम शिकारी कह रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपका अपूच क्या रहा है, छिपकली, छिपकली को क्या कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि छिपकली का काम क्या है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, छिपकली, छिपकली भाई मेरे बन नहीं रही फिलहाल, आप समझ लीजिए कि जो छिपकली होती है वो रेंगती है, रेंग रेंग के चलती है। तो जब वो रेंग के चल रही है तो रेंगने वाले के लिए कौन सा कोड यूज किया जा रहा है, यही है, ये देख लीजिए, यही रेंगने वाला है हमारा। तो रेंगने वाले के लिए हम कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, तो रेंगने वाले के लिए हम उड़ने वाला कोड यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आंसर होगा, यानी छिपकली को क्या कहा जाएगा, तो आप जान लीजिए छिपकली को उड़ने वाला कहा जाएगा। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। क्यों, क्योंकि जब ये तरीका आप अपनाएंगे, सबका जो कोड है अलग अलग आप डिफाइन कर देंगे, लिख लेंगे, तो आपका आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं ये कह दिया जाता कि सांप कहाँ रहेगा, सांप कहाँ रहेगा, तो आपको पता है कि सांप जल में रहता है, तो जल में रहने वाले के लिए सांप ही है, आपको पता ही है। तो उसी तरह अगर किसी और का कोड निकालना हो, कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि छिपकली कहाँ रहेगी, अब पूछ लें कि शिकारी, शिकारी कहाँ रहेगा, तो ठीक है शिकारी के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, आसमान में, तो शिकारी आसमान में हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको ये सब लिखने और समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब आपको ये लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, इसको छिपकली, ठीक है, छिपकली के लिए पूछा जा रहा है, तो छिपकली का काम क्या है, छिपकली रेंग कर चलती है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि रेंगने वाले के लिए क्या कहा जा रहा है, जो रेंग सकते हैं उनके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, उड़ने वाला, बस हो गया, आप वहाँ आंसर मार दोगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप हमें कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसमें से एक क्वेश्चन देखा था, दूसरा क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं।
ताकि हमारे जो भी डाउट है क्लियर हो जाए, ठीक है। और उम्मीद है कि आज के बाद आपको इस चीज़ से कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको देखिएगा और समझिएगा, फिर जैसा होगा मुझे बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी करिएगा और इसको आप समझिए। देखिए मैं ऐसे बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एक तो वो चीज़ बताऊंगा जो आपको ओरली आप कर लें, दूसरा वो बताऊंगा आपको कोड करके कि सबका कोड क्या है, ठीक है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए और भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिस कहा जाए और तपिस को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये हमसे पूछा क्या गया है कि जो प्यासा होगा, ये जो प्यासा है उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है उसको जल की ज़रूरत पड़ेगी, जल मीन्स पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पानी का कोड दिया गया है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमको ये बता दीजिए कि इसमें पानी, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको ये बता दीजिए पानी के लिए किस चीज़ का कोड है। देखिए, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, कुछ बातें समझ में आ रही हैं। प्यासा, प्यासे को पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पानी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पानी को हवा कहा जाए। तब आप हमको ये बता दीजिए जो इंसान प्यासा होगा उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बोलिए, जाहिर सी बात है जो प्यासा होगा, जिसको प्यास की ज़रूरत है उसको क्या कहा जाएगा, उसको जो प्यासा होगा हमारा, जिसको प्यास की ज़रूरत है उसको हवा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या लाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पानी होगा, पानी पिएगा तभी तो उसकी प्यास बुझेगी और प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इस चीज़ को लाना पड़ेगा उसमें, यानी उसको ठंडक की ज़रूरत। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर कोड में आपको कोडिंग करना है तो आप कोड के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं इसको, कि जैसे कि यहाँ प्यास तो दिया ही हुआ है कि प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई भी प्यासा होगा उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हमको ये बताइए कि पानी के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है। आग को पानी कहा जा रहा है और पानी को हवा कहा जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्यासा होगा उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पानी के लिए किस चीज़ का कोड यूज हो रहा है, हवा का। तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हवा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, आप इस पर क्वेश्चन करिएगा। अब देखिए, अब हमें कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है और हमें समझ में आ गई तो बस अब लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस आप वहाँ से देखिए, प्यासा है, प्यासा को किसकी ज़रूरत है, पानी की। पानी के लिए क्या कहा जा रहा है, पानी के लिए जो कोड है वो हवा है। तो मतलब जो प्यासा होगा, जो जिसको प्यास लगी होगी उसके लिए पानी चाहिए और पानी के लिए जो कोड है वो हमारा क्या है, हवा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीन होमवर्क रहेंगे, आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको पढ़िएगा और उसमें से आपको ये बताना है कि जो ये भूख है, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हवा को भोजन कहा जाए और भोजन को भूख कहा जाए और भूख को प्यास कहा जाए, तो जो भूखा व्यक्ति है उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है। दूसरी है कि अगर किसी को गर्मी लग रही है, जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हवा चाहिए हम लोगों को। तो इसमें ये बताना है अगर किसी को गर्मी लग रही है तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर दिया गया भोजन के लिए कौन सा कोड यूज होगा, इसमें जो भोजन है, भोजन के लिए आपको ये बताना होगा कि भोजन के लिए इसमें से कौन सा कोड यूज होगा, यानी भोजन के लिए हम क्या कहेंगे। अगर हमें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी यानी हमें, तो हमें क्या चीज़ खाना पड़ेगा, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तो आपको ये चीज़ इसमें से बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आप करिएगा और ख़ुद से आप प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको, उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आज से आपकी ये क्लास लगभग समाप्त हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग लगभग हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।